अपने ईड ईगो और सुपर ईगो के द्वारा कहा था कि साहित्यकार और या कलाकार अपनी लिबिडो शक्ति का उदात्तीकरण करके अभिव्यक्ति देता है। अर्थात अगर कलाकार अपनी काम शक्ति काम भावना का सही दिशा में मोड़ देता है, अपनी लिबिडो शक्ति का सही प्रयोग करता है, तो उसके उसका काव्य उदात्त हो जाता है। अन्यथा वो कहीं न कहीं घर्षण होकर के कहीं अलग विस्फोट होता है और फिर समाज के लिए नुकसान भी करता है। इसी बात को अज्ञे जी ने कहा, आधुनिक युग का साधारण व्यक्ति यौन वर्जनाओं का पुंज है। अज्ञे जी का स्पष्ट मानना था कि कवि कहना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन उस पर नैतिकता हावी रहती है, समाज हावी रहता है, इसलिए जो कहना चाहता है वो कह नहीं पाता है। छायावादी कवि की कुछ रचनाएं आप देखें तो उसमें भी स्पष्ट बात हो जाती है कि वो कहना तो चाहते हैं लेकिन कहीं न कहीं उन पर पुराने संस्कार या नैतिकता की बात है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इसके कारण जो कहना चाहते हैं कह नहीं पाते हैं, लेकिन प्रयोगवादी कवि स्पष्ट कहते हैं। नई कविता और अकविता के में देखें तो बिल्कुल ही ये बात स्पष्ट हो जाती है कि छायावाद, प्रगतिवाद या इससे भी पहले आप जाइए भारतेंदु युग में, जो बातें अनिष्ट मानी जाती थी, अमंगल मानी जाती थी या जो समाज विरोधी मानी जाती थी, अनैतिक मानी जाती थी, ऐसे बिंदुओं पर चर्चा कभी नहीं की जाती थी, प्रयोगवादी कवि और उसके बाद के कवियों ने अपने अपने ढंग से की है। आगे हम देखें तो अज्ञे के काव्य सौष्ठव की चर्चा करें तो इसमें सबसे पहले बात आती है नूतन सौंदर्य बोध की। नूतन सौंदर्य बोध में कुछ उदाहरण यहाँ पर रखने की का प्रयास किया गया है। पहला उदाहरण है, अगर मैं तुमको ल जाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार निहाई हुई टटकी कली चंपे की वगैरह, तो नहीं कारण है कि मेरा हृदय उथला है या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यही ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच। आप देखें तो निराला की कविता मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी, ये जो उदाहरण दिया गया था, या अधरों में राग अमंद पिए, तो उससे और अगर मैं तुमको ल जाती सांझ की अकेली, स्पष्ट हो जाएगा कि छायावाद से जो अलग धारा है प्रयोगवादी किस तरह से अलग है। अगर मैं तुमको ल जाती सांझ की नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, यानी अभी तक तो कही जाती थी ये बात, यानी नारी को सिर्फ सौंदर्य की दृष्टि से देखा जाता था, सुकुमारता की दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन अब क्या है, अब अगर है तो अंतिम पंक्ति की ये उपमान मेले हो गए, यानी अभी तक जो उपमाएँ दी जाती थी वो वास्तव में सत्य से बहुत दूर थी और नारी को केवल नारी के रूप में देखने का प्रयास नहीं होता था, उस पर कहीं ना कहीं जो मुलम्मा लगाया जाता था, कहीं ना कहीं उसे खुश करने की बात थी, जैसे कि उसके मुख को चंद्रमा की तरह माना जाता था। लेकिन आधुनिक नारी जब यह समझ गई कि चंद्रमा में वास्तव में उसका अपना खुद का प्रकाश नहीं है, तो ये उपमान मैले हो गए हैं और देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच। तो अज्ञे ये बात जब कहते हैं तो निश्चित तौर पर छायावाद के प्रतिक्रिया स्वरूप कहते हैं, और यह बात अन्य कवियों ने भी अपने अपने ढंग से कही है। प्रणयानुभूति की बात करें तो कवि अज्ञे बहुत कुछ एक तरह से विद्रोहात्मक रूप में दिखाई देते हैं। छायावाद में प्रणय में एक रहस्य का आवरण पड़ा हुआ था और उस रहस्य के आवरण पर से पर्दा हटाने के लिए प्रयोगवादी कवियों ने, उसमें मुक्तिबोध भी आ जाते हैं, अज्ञे भी आते हैं, रामविलास शर्मा भी आते हैं, इन कवियों ने अपने अपने ढंग से प्रयोग किए हैं। पहले जो बात कही गई कि यौन वर्जनाओं का पुंज है आज का साधारण आदमी, ऐसा अज्ञे ने कहा, यानी वो कहना तो बहुत कुछ चाहता है, उसके पास अभिव्यक्ति के लिए क्षमता भी है, लेकिन उस पर हावी है कहीं ना कहीं वो परंपराएं, वो मान्यताएं, वो रूढ़ियां जो उसे रोकती हैं। नैतिकता की बात उस पर हावी रहती है कि ऐसा कहेंगे तो समाज हमें क्या कहेगा, और समाज के डर से वो जो कहना चाहता वो भी नहीं कह पाता है। तो यह बात अज्ञे अपनी कविता में कहते हैं, देख सकते हैं।
तुम्हारी देह मुझको कनक चंपे की कली है, दूर ही से स्मरण में भी गंध देती है। तुम्हारी देह मुझको कनक चंपे की कली है, दूर से ही स्मरण में भी गंध देती है। अब उनकी कविता, प्रसाद की कविता हमने नीचे रखी है। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, ये बात जो आती है। या दूसरी कविता जो आती है प्रणय अनुभूति की, हाय तुम्हारी नैसर्गिकता, मानो नियत निराला है, वह तो अपने ही से अपना प्रणय छिपाने वाला है। यह बात खुल करके कहते हैं, और जबकि छायावादी कवि उस पर आवरण डालते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य, स्पष्टता करने की बात यही है कि जो बात अज्ञे तुम्हारी देह मुझको कनक चंपे की कली है में कहते हैं, वो स्पष्ट है। या सो रहा झोंप अंधियाला नदी की जांघ पर, आप देखिए कि प्रयोगवाद से पहले इस तरह की उपमाएं नहीं दी गई कि नदी की जांघ पर अंधियारा सो रहा है। ये कवि अज्ञे हैं जो इस तरह, हालांकि उस पर काफ़ी विवाद भी हुए कि क्या इस तरह की उपमाएं दी जाती हैं कि नहीं, उस समय काफ़ी चर्चाएं हुई थीं, लेकिन जो प्रयोग हो रहा था वो प्रयोग ही था, वो है या नहीं वो बाद के लोगों ने तय किया। तो प्रयोगवादी कवि अज्ञे ने जब कहा कि तुम्हारी देह मुझको कनक चंपे की कली है, वह दूर से भी स्मरण में मुझे गंध देती है, तो ये सिर्फ बिंब के रूप में या प्रतीक के रूप में नहीं आई, यह उसकी प्रणय की अनुभूति थी, कवि किस तरह से महसूस करता है। और यह बात नहीं कि यह पहले के कवियों ने महसूस नहीं किया, पहले के कवियों ने भी महसूस किया, किंतु उन पर नैतिकता हावी थी। और ये अति यथार्थवाद और जो प्रतीकवाद आया, बिंबवाद आया, उनमें ये बात स्पष्ट थी कि मनुष्य के पास, उसके पास पहले का कुछ भी नहीं है, यानी वर्जनात्म जो जिसे कहते हैं, जिस पर रूढ़ियाँ हावी थीं, ऐसा उसके पास अब कुछ भी नहीं है, और नैतिकता का कोई मूल्य नहीं है। नैतिकता के नाम पर जो समाज में हो रहा है, उससे हट करके ये नए कवि, यानी नई कविता के कवि हों, अकविता के हों, या प्रयोगवादी कवि, ये अपनी बात कहते थे। इसीलिए अज्ञे के लिए नदी की जांघ कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसे अनैतिक मान करके आज भी छोड़ दिया जाए। इसीलिए वो कहते हैं कि सो रहा झोंप अंधियाला नदी की जांघ पर। एक और उदाहरण हम देख सकते हैं प्रणय अनुभूति के क्षेत्र में। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटुप्याला है, वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटुप्याला है, वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा है, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। फिर उनकी एक दूसरा उदाहरण, आह मेरा श्वास है उत्तप्त, धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार, प्यार है अभिशप्त, तुम कहाँ हो नारी। प्रसाद की पंक्ति को जानबूझ के यहाँ रखा गया है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नकपक तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो अवनी और अंबर तल में। आप देखिए कि प्रसाद के यहाँ जो नारी है वो श्रद्धा रूपेण है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नकपक तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, अमृत रूप में बहा करो अवनी और अंबर तल में। लेकिन जब प्रयोगवादी कवि प्रयोग करता है तो वो कहता, आह मेरा श्वास है उत्तप्त, धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार। तो निश्चित है ये धार जो उमड़ आई है, ये कोई ऐसी धार नहीं है कि जिसके कुछ क्षणों में मिट जाए। ये वास्तविकता की धार है कि जब कोई स्त्री या कोई पुरुष या कोई पुरुष या कोई स्त्री प्रेम करते हैं तो उसमें इस तरह की बात नहीं होती है। वह उसकी धमनियों में जो खून की बात है, गर्माहट जो आती है, वो प्रेम की जो बात होती है, तो वह बात कवि ने उत्तप्त शब्द से व्यक्त कर दिया है। यानी कवि ने कहीं भी कुछ भी छुपाने की बात नहीं की है, जैसा कि मुलम्मा लगाकर या आवरण लगा करके पहले पूर्ववर्ती कवि करते आए हैं। तो प्रणय अनुभूति की बात जब करते हैं तो मैंने आहुति बनकर देखा है, प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। आप देखिए कि नैतिकता की भी बात जो पहले करते थे वो किस तरह से यहाँ पर गलत साबित हो जाती है, कि प्रेम कोई गलत चीज़ नहीं है, वो यज्ञ की ज्वाला है। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है, वो कहीं ना कहीं मानसिक रोगी होंगे जो कहते होंगे कि प्रेम नहीं करना चाहिए। अज्ञे ने एक तरह से अपनी बात कहने के लिए
वकील के रूप में भी अपनी वकालत की है, अपनी यानी प्रयोगवाद की वकालत की है, और वो कहते हैं कि मैंने आहुति बनकर स्वयं इसे इसमें डूबा हूँ, स्वयं मैंने आहुति, यानी अज्ञे का जो कवि कहना कहता है कि प्रेम यज्ञ की ज्वाला, ये कोई गलत चीज़ नहीं है कि आज से पहले के कवि जो कहते आए कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो प्रयोगवादी कवि अपने ढंग से जब प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर वे अपनी बात रखते हैं और पूरे प्रमाण के साथ रखते हैं। दूसरी बात इसमें आती, तुम्हारी देह मुझको, जो पहले कहा जा चुका है, तुम्हारी देह मुझको कनक चंपे की कली है, दूर से ही स्मरण में भी गंध देती है। तो दूर से स्मरण में गंध देने की बात जो आती है, ये भी प्रेम के प्रणय के क्षेत्र में आती है। पहले के कवि मिलते हैं और वो मिलन कहीं ना कहीं सामाजिक, जैसे कि बिहारी की कविताओं में लें, भरे भवन में करत है नैनन ही से बात, तो भरे भवन में कर रहे हैं लेकिन उनको डर है कि कहीं बुजुर्ग बैठे हुए हैं सुन न लें, समाज के लोग क्या कहेंगे, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही से, वे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, उनके पास कहने के लिए बोलने के लिए शब्द हैं लेकिन भरे भवन में उनकी मजबूरी है, पिता बैठे हुए, भाई बैठे हुए, बहन बैठी हुई, माँ बैठी हुई, समाज बैठा हुआ है, और फिर आँखों ही आँखों में सारा इशारा होता है और सारी बात इस तरह होती है। लेकिन प्रयोगवादी का भी इतना पुराना नहीं है, उस नवीनता भरता है और वो कहता है कि प्रेम कोई गलत चीज़ नहीं, हुआ आहुति बनकर देखा है, प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। आगे देखें तो आह मेरा श्वास है उत्तप पा न सकने पर, आह मेरा श्वास है उत्तप्त धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार, प्यार है अभिशप्त तुम कहाँ हो नारी। प्रणय अनुभूति की बात है, खग युगल करो संपन्न प्रणय, क्षण के जीवन में हो तन्मय, हो अखिल अवन ही निर्भित निलय, हाय तुम्हारी नैसर्गिकता मानो नियत निराला है, वह तो अपनी ही से अपना प्रणय छिपाने वाला है। खग युगल यानी एक दृष्टांत दिया हुआ है कि पशु पक्षी भी इतना छिप करके कुछ नहीं करते इतना मनुष्य, और मनुष्य अपने आप में बहुत बहुत छिपा लेता है, जो वो जितना दिखता है वो वास्तव में उससे कहीं ज़्यादा वो अंदर अपने भीतर छिपाए रहता है, इसीलिए वो अपनों से भी झूठ बोलता है, उसके पास यह दमखम ही नहीं होता है, उसके पास एक क्षमता ही नहीं होती है वो जिसे प्रेम करता है वो कह सके कि हाँ मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। इसीलिए हाय तुम्हारी नैसर्गिकता मानो नियत निराला है, वह तो अपने ही से अपना प्रेम छिपाने वाला, अपना प्रणय छिपाने वाला है। और ये देखिए कि जो रीतिवादी कवि हैं, या उसके बाद के लीजिए भारतेंदु से लेकर के द्विवेदी युग में भी आती हैं, आप जैसा कि जानते हैं कि जूही की कली में इस तरह का कोई प्रेम नहीं था, उसके बावजूद भी उसे वापस लौटा दी जाती है, छपती है। खैर, तो ये जो बात है, प्रयोगवादी कवि स्पष्ट रूप से कहता है कि ये मनुष्य की ऐसी भावना रहती है कि कोई मेरे बारे में जाने ना, कोई अगर जान लेगा समाज क्या कहेगा, तो समाज से बचने के लिए उस तरह की बात करता है। पा न सकने पर तुझे संसार सूना हो गया है, विरह के आघात से प्रिय प्यार दूना हो गया है, यानी प्रिय अगर न मिले और ऐसी स्थिति में प्यार दूना होना आघात सह करके, ये बात जो प्रयोगवादी कवि अज्ञे कहते हैं तो निश्चित तौर पर ये अनुभूति के स्तर पर कहते हैं। पा न सकने पर तुझे, यानी ये जरूरी नहीं है कि प्रेम हो और हर बार प्रेम सफल ही हो और सब कुछ उसे मिल ही जाए, असफल प्रेम की बात है कि असफलता में कहीं ऐसा नहीं कि कुंठा और निराशा और हताशा और फिर इसके बाद ऐसा कुछ कर गुजरने की कि समाज में उपहास हो, बिल्कुल ये सकारात्मक प्रेम है कि पा न सकने पर तुझे ये प्यार दूना हो गया है, अर्थात जो आज तक प्रेम था उस वो ना मिलने के बावजूद भी, उसे हासिल ना होने के बावजूद भी वो दुगुना हो रहा है, उसमें कहीं भी ओट नहीं आई, कहीं भी कमी नहीं आई है। प्रयोगवादी कवि में जो हताशा आती है, निराशा आती है, कुंठा आती है, या कहीं मृत्यु या भय की जो बात आती है, तो निश्चित तौर पर ये कभी पाश्चात्य से प्रभावित रहे हैं और पाश्चात्य में यह बात अति यथार्थवाद में और
बिंबवाद में, प्रतीकवाद में भी आती है। अति यथार्थवाद ये मानता है कि कविता में जटिलता तो होनी ही चाहिए, अगर सब कुछ सरल होगा तो पाठक को पसंद नहीं आएगी या पाठक के समक्ष उसकी चर्चा नहीं हो पाएगी। तो कविता में जो जटिलता की बात आती है तो वहाँ पर भी देखिए कि है, और यहाँ मुक्ति बोध जिसे जटिल संवेदना का कवि कहा गया है तो उनकी भी कविताओं में, अज्ञेय की कविताओं में भी जटिलता आती है। प्रणय अनुभूति के बाद प्रयोगवाद की जो एक दो और भी विशेषताएं होती हैं, जिजीविषा की बात हम करें, प्रयोगवादी कवि अज्ञेय, प्रयोगवादी कवि इसलिए कहता हूँ कि लाख कहने के बावजूद कि प्रयोगवादी शब्द उतना ही कवितावादी शब्द के समकक्ष है अगर कोई कहता है तो, लेकिन बाद के और उनके साथ के जितने कवि आलोचक थे प्रयोगवादी कह दिया है, और चूंकि आज का विषय ही प्रयोगवादी कवि अज्ञ है इसलिए हम प्रयोगवादी कवि ही कहेंगे। हम निहारते रूप कांच के पीछे हाँफ रही है मछली, रूप त्रिषा भी और कांच के पीछे है जिजीविषा। प्रयोगवादी कविता में जिजीविषा की भावना महत्वपूर्ण है। जिजीविषा की भावना ने जीने की इच्छा, उत्कट इच्छा, कहीं ऐसी बात नहीं है कि ये संसार नश्वर है, कहीं ऐसी बात नहीं है कि जीवन खत्म हो चुका है। जीवन के को पाने के लिए किसी भी एन किन प्रकरण किसी भी तरह उसे हासिल करने के लिए ये कवि यानी कि प्रयोगवादी कवि विश्वास रखते हैं। आप देखिए कि कांच के बर्तन में, पारदर्शक कांच के बर्तन में मछली जो घूमती है उसमें जो तड़पन होती है उसको देख करके कवि को लगता है कि ये मछली भी अपनी आज़ादी चाहती है। तो मूल रूप में क्या है कि ये वही बात है जो अति यथार्थवाद और वास्तविकतावाद में आती है या प्रतीकवाद में आती है कि छोटे से छोटा प्राणी भी जो चीज़ अभी तक नगण्य कहकर छोड़ दी जाती थी, जिसकी कोई अहमियत नहीं होती थी, यानी अस्तित्ववाद के जो दर्शन की बात आती है अस्तित्ववाद में कि मनुष्य नहीं छोटे से छोटा प्राणी का भी अपना वजूद है, अपना अस्तित्व है, तो ये मछली का भी अपना वजूद है और ये भी जीना चाहती है और इसे जीने का अधिकार है। प्रयोगवादी कवि जो बात कहते हैं 1943 या 54 तक या 60 तक की कविताओं में, यह बात प्रेमचंद कथा साहित्य में अपने शुरुआत कर चुके थे 1930 और से 36 के बीच में।